कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप दिनों दिन पूरे देश में फैलता जा रहा है, जिससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ा। शासन प्रशासन इस जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाने के लिए बहुत ही मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। वहीं जनता भी इस लॉकडाउन का बखूबी पालन कर रही है, लेकिन इस लॉकडाउन ने कई गरीब परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। भूख और गरीबी से जूझ रहे कई परिवारों की मदद के लिए नगर के मुस्लिम समाज के युवाओं ने रोजाना राशन का इंतजाम किया है। कमेटी के सदस्य ने बताया कि हालात मुश्किल है, काम में सेहत को भी खतरा है, लेकिन लोगों की मदद का जज्बा सभी मुश्किलों पर हावी है। जिसमें इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, तभी से नगर में इस मुस्लिम युवाओं ने लोगों की मदद के लिए कमर कस ली। युवाओं की टीम उनके लिए दिन रात मेहनत कर राशन की किट तैयार करती है और फिर फ़ोन या किसी की इत्तला मिलने पर बिना किसी भेदभाव के सभी ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री दी जाती है। नगर के इन युवाओं की मेहनत से कई लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है और यह दूसरों के लिए प्रेरणा का जरिया बन रहा है। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। जब से प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को लॉकडाउन किया था, तभी से हम लगातार गरीबों में राशन वितरण कर रहे हैं, जिसमें हमारे गांव के युवा साथी भी काम कर रहे हैं और अभी तक हमने 365 घरों तक राशन पहुंचा दिया है और कंटिन्यू हम इस काम में लगे हुए हैं और जितना हमसे प्रयास हो रहा है हम काम में कर रहे हैं। आगे हम 400 से 500 मकानों तक और घरों तक राशन वितरण करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे युवा साथियों का कहना यह है कि यह हमारे लिए एक मौका है कि हम बगैर भेदभाव के समाज में एक ऐसा कार्य जो कि सराहनीय हो करते रहे और आगे भी हम इसमें सहयोग देते रहेंगे इंशाल्लाह। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद आकिब मंसूरी, गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।